तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो एक ही कंप्यूटर या एक ही कम्युनिकेशन में काफ़ी देर से वीडियो आ रही है, एक ही कम्युनिकेशन 294 पे। सो आप चेक कर सकते हो, अभी हमने ओपनिंग कर ली है। दहुआ का कैमरा है जो कि हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसको अटैच करने बताएंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप देख सकते हो, तो जे इसमें ऑप्शन है। तो इसमें मोशन डिटेक्शन, ऑटो ट्रैकिंग, प्राइवेसी मोड और पेंटिल 360 टू वे टॉक और हाई डेफिनेशन स्क्रीन है। हीरो का A1 मॉडल है। इंडोर है, मतलब कैमरा आउटडोर नहीं है। सो मॉडल नंबर आप चेक कर सकते हो, DHH2A मॉडल है। तो अभी आपको इसका इंस्टॉल करने दिखाएंगे। इसके बीच में भी ये कैमरा है और ये है, हमारे कस्टमर का डिमांड पे आया था तो इसको अनबाइंड करना। अनबाइंड कर लिया हमने, उसकी वीडियो बनाएंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अनबाइंड कैसे करना है वो भी बताएंगे। तो आप देख सकते हो अभी ये मॉडल है अपना हीरो का, आज काफ़ी अच्छा मॉडल है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा तैयार किया है दहुआ ने। सो स्पीकर वगैरह इसके पीछे और लैन केबल भी अटैच हो जाती है जो कि DVR और NVR के साथ आप अटैच कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको अटैच करते हैं और सबसे पहले इसको रीसेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मेमोरी कार्ड डलता है और इसको रीसेट कर लेते हैं। क्योंकि रीसेट इसलिए करना है क्योंकि जब ये पहले ऐड हुआ हो तो रीसेट वगैरह हो गया हो, तो रीसेट होगा तो अच्छे से, मतलब रीसेट हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यू प्रेस करना है रीसेट को। तो ये हाँ रीसेट हो गया, अभी स्पीच किया तो अभी ये रीस्टार्ट होगा कैमरा। तो तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट जरूर कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम है। तो आप बने रहना वीडियो में। लेंसेज का काफ़ी अच्छा किया है दहुआ ने, तो आप देख सकते हो लेंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी की है। जैसे इमो का या रेयर लेंस होता है वैसे ही शो कर रहा है ये, देखो। तो अभी ये रीस्टार्ट हो गया कैमरा। सो अभी आप बने रहना वीडियो में लास्ट तक। सो बताना वीडियो कैसी लगी। तो बार बार कह रहा हूँ, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, इसी प्रकार वीडियो आती रहेगी अगर आप सपोर्ट इसी प्रकार बने रहेगा। तो सबसे तो वाईफाई हॉटस्पॉट इनेबल हो गया। तो सबसे पहले इसको हम ये देखो इंस्टॉल कर लिया है। तो अगर किसी ने मेरी वीडियो आपने नहीं देखी, जैसे कि मैंने जहाँ पे अपना लॉगिन किया हुआ है, आप भी अगर सबसे पहले लॉगिन जरूर कर लेना। तो जैसे आपके फ़ोन में ऐप होता है ना, ऐप होता है जैसे जे वाला ऐप है, हमने DMSS डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने ओपन किया, हमने मी पे जाके यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है अपना अकाउंट, आप देख सकते हो। तो लॉगिन कर लेना आपने सबसे पहले, अगर लॉगिन करोगे तो अच्छी बात है। तो इससे आपकी कल को कोई दिक्कत आती है तो लॉगिन करोगे तो मतलब अच्छा हो जाएगा लॉगिन से। तो सबसे पहले हम एडवाइस पे जाते हैं, जैसे स्कैन होता है तो यहाँ पे इसको स्कैन कर लेते हैं। तो इसके कैमरे में ये देखो स्कैन हो गया, अपना सीरियल नंबर स्कैन हो गया। तो सबसे पहले इसको नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद इसको भी नेक्स्ट कर लेते हैं। और इसको नेटवर्क अगर शो हो गया, आपकी ब्लिंक करेगी लाइट, ये ग्रीन वाली लाइट ब्लिंक करेगी, तो आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। तो ज्वाइन करते ही आप देख सकते हो अभी, सो अभी ज्वाइन हो रहा है। तो अगर इसका प्रॉपर रीसेट हो गया है तो रीसेट हो गया है, तो ये देखो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे इसका जो भी पासवर्ड रखना है आप रख सकते हो, जैसे कि आपको हम रखते हैं, जैसे ज़्यादातर हम एडमिन ऐड 123 रख देते हैं, तो हम भी एडमिन ऐड 123 रख देते हैं। सो ऐसे ही सेम नीचे एडमिन कोई भी रख सकते हो आप पासवर्ड यहाँ पर, जो भी आपने सिक्योरिटी देना है। सो ऐड करते ही आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये देख सकते हो यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन आएगा, जैसे कि हमने सिम वाला राउटर लगाया हुआ है घर पे, तो हम उसके साथ ही अटैच करेंगे। ये देखो मास्टेल का राउटर, हम उसके साथ ही अटैच करेंगे, जैसे कि इसका पासवर्ड हमने भरा ही हुआ है पहले। सो हमने डन करते हैं और नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर। सो ज़्यादातर मास्टेल का 1 से 1, और ये देख सकते हो आप लाइट ब्लिंक होगी और स्टेबिलिटी बनी रहती है ऐसे ही। तो आप बने रहना अभी, तो आपको क्लैरिटी भी चेक कराएंगे। कोई वीडियो कट नहीं होगा, ऐसे ही डाल देंगे वीडियो को। तो अभी कनेक्टिंग हो गया है, देख सकते हो आप कैमरे की लाइट जो है स्टिल हो जाएगी ग्रीन वाली। तो अभी 39:38 चल रहा है प्रोसीजर। सो आप देख सकते हो, तो ये देखो लाइट चल रही है इसकी। सो अभी कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, राउटर के साथ अटैच हो रहा है। जे कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो स्टिल हो रही है बीच बीच में लाइट, अभी चल रहा है। तो अभी प्रोसीजर चल रहा है, तो अभी ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ ही। तो मास्टेल का जो राउटर है जो बाज़ार से मिल जाता है सस्ते, अगर आपने वाईफाई अटैच करना है, सिम वगैरह राउटर लगाते हो तो उसके साथ अटैच कर सकते हो।
तो वो काफ़ी सिंपल मतलब आसान तरीका है। अगर आपके घर पे वाईफाई लगा है तो वाईफाई भी कर सकते हो। तो जैसे कि ये नहीं हुआ, अभी ट्राई अगेन करते हैं फिर से दोबारा। तो कभी कभी नेटवर्क में दिक्कत आ जाती है, तो इसी प्रकार अटैच करते हैं। सो जब तक ये कनेक्ट होता है तब तक हम थंबनेल निकाल लेते हैं। तो कैमरा तो अटैच हो गया गाइस अपना। तो हम सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं, जैसे हम घर पे इंस्टॉल होम रख सकते हो, जैसे आपने शॉप पे लगाना है शॉप रख सकते हो, कोई भी नाम रख सकते हो। तो इसको डन करते हैं। तो डन करने का जहाँ पे ओके कर देते हो, तो ओके करने के बाद ये कैमरा अपना चल पड़ा। तो यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो, अगर डे टाइम सेविंग ऑटोमेटिक करना है तो ऑटोमेटिक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्री जा जाएगी जहाँ पे कंट्री। तो इसी प्रकार ये देखो आ गया सामने कैमरे का व्यू। सो आप देख सकते हो अभी, तो इसी प्रकार आप देख सकते हो अभी ये हमारे कैमरे का व्यू है। तो ये हीरो A1 का मॉडल है, जो इसका व्यू है। ये देखो यहाँ से HD करते हैं। सो यहाँ से इसको थोड़ा घुमा देते हैं कैमरे को, इसकी क्वालिटी दिखाते हैं आपको कैमरे की। सो अभी इंटरनेट स्लो होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्लो चल रहा है इंटरनेट, इसके कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो हो जाएगा, आप इसी प्रकार ऐड कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शन होती है, जैसे कि यहाँ पे माइक की ऑप्शन होती है, 360 की ऑप्शन होती है जिसे आप घुमा सकते हो। तो यहाँ पे आप कट कर सकते हो, इसको बंद करना है। तो यहाँ पे टॉक वगैरह कर सकते हो, अगर आप कोई भी आवाज़ दे रहे हो जहाँ स्पीच करना हो तो यहाँ पे आप आवाज़, जैसे ये बिल्कुल कॉल है जहाँ स्पीकर की आवाज़ आ रही है, देख सकते हो, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो यहाँ पे इंटरनेट स्लो होने के कारण ये देख सकते हो आप, ये देखो जहाँ पे स्पीकर है बना हुआ। तो आप इसकी क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी आप देख सकते हो, यहाँ पे बीजन का राउटर पड़ा हुआ है। तो ये देखो ये राउटर काफ़ी गंदा हुआ है यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये आप पीछे भी चेक करते हो, ये देखो पीछे कुछ लिखा हुआ है प्राइवेट लिमिटेड, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो क्वालिटी बिल्कुल ठीक है, 2 मेगापिक्सल की क्वालिटी होती है इसकी, यहाँ इसमें 3 मेगापिक्सल भी आता है। सो अगर आपने आवाज़ सुननी है अकेली तो यहाँ पे स्पीकर ऑन कर सकते हो, यहाँ पे जैसे ही हमने सेटिंग ऑन नहीं की अभी इसकी आवाज़ सुन सकते हो जो भी, ये देखो हेलो हेलो। तो इसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी साउंड आती है, जैसे कि ये बिल्कुल आप पास ही पड़ा है। तो अगर आपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करनी है, तो अगर पिक्चर वगैरह लेनी है तो यहाँ से पिक्चर लगा सकते हो। तो यहाँ पे आलो कर देते हैं हम, जो ये पिक्चर अगर रिकॉर्डिंग करनी है रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप, जैसे कि आप कर सकते हो। अगर डिटेशन करना हो, ये देखो सामने CP+ का पड़ा है झोला वगैरह, तो यहाँ पे आप रोटेशन करना तो कर सकते हो, कि जिधर को भी करना है आपने। तो यहाँ पे आपको बताया अभी रोटेशन, तो अभी आप मेरा बाइसेप भी चेक कर सकते हो। इसी प्रकार अगर आप क्वालिटी देख सकते हो, ये देखो पीछे कितना अच्छा क्वालिटी आ रहा है। तो इसमें और ऑप्शन होती है, जैसे ये रिकॉर्डिंग ऑन थी अभी, हमें बंद कर लेते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग जाती कहाँ है? सो गाइस आपको बता दें, यहाँ पे आपने ऐसे बैक कर लेना है सभी। सो यहाँ पे आपने बैक कर लेना है, जो रिकॉर्डिंग होती है, जो यहाँ मी होता है ना, मी एल्बम होता है, एल्बम पे क्लिक करना है। और ये रिकॉर्डिंग है अपनी जो हमने रिकॉर्डिंग की है, ये देखो 360 की। तो रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग तो आपके फ़ोन में हो जाएगी ये वाली, अगर आपने मेमोरी कार्ड नहीं डाला। तो ये वो फ़ोटो खींची थी, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे फ़ोटो थी विजन की। सो ये टाइम भी आ गया ऊपर, आज की वीडियो बन रही है। सो यहाँ पे डिवाइस पे फिर से जाते हैं, और अगर आपने जो प्राइवेसी मोड है इसका, जो मैंने ऊपर आपको अभी अभी पढ़ाया था, जो प्राइवेसी मोड है, अगर आप प्राइवेसी मोड ऑन करते हो यहाँ पे, इसमें ऑप्शन बड़ा बढ़िया है। अगर आप लॉबी में या अंदर लगाते हैं कहीं भी, तो आप कोई पर्सनल काम करना हो, तो अगर आपने प्राइवेसी मोड ऑन कर दोगे, देखना अभी प्राइवेसी मोड ऑन करते ही। तो ये प्राइवेसी मोड ऑन किया तो कैमरे का मुंह नीचे हो गया। तो अगर ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका फेस नीचे हो गया। सो अगर आप मोड को ऑन करते हो तो कैमरे का फेस भी ऊपर हो जाएगा, देख सकते हो आप। तो इसी प्रकार का इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह, अगर मेमोरी कार्ड डाला है तो यहाँ पे प्लेबैक पे जाना है तो यहाँ रिकॉर्डिंग आ जाएगी, और डे टाइम पे जाना है यहाँ रिकॉर्डिंग हो जाएगी जितने दिन की आपने देखनी है। 64 GB का डाला है या 32 GB का, तो डालना है इसमें हाई स्पीड मेमोरी कार्ड, जैसे आपको ये बता देते हैं, ये देखो 140 स्पीड, मतलब ऐसा कोई भी अल्ट्रा मेमोरी कार्ड A1 क्वालिटी का डालना है, लोकल मेमोरी कार्ड मत डालना जिससे कि प्रॉब्लम आए। तो आज की वीडियो बताना गाइस कैसी लगी। तो एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा लास्ट में, तो इसमें एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी होता है, जैसे इसके अगर आप चाहते हो नोटिफिकेशन ऑन, जैसे इसके आगे कोई आए
तो यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन पे जाना है आपने। तो ये देखो आर्म मैसेज रिमाइंडर, तो अगर इसको ऑन करते हैं तो आपको मैसेज आने लगेंगे अगर कोई भी आता है आगे। तो इसके आगे और भी ऑप्शन होती है जैसे कि ह्यूमन डिटेक्शन, तो ऑटो ट्रैकिंग, जैसे कि ये ऑटो ट्रैकिंग का ऑप्शन है। ये देखो जैसे जैसे मेरा हाथ इधर जा रहा है तो वैसे वैसे कैमरा भी घूमेगा। ये देखो जैसे जैसे ये घूमेगा और जैसे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग। तो ये देखो आगे हाथ है, तो मैं हाथ घुमाता हूँ ऐसे, तो देख सकते हो ऐसे ऑटो ट्रैकिंग का ऑप्शन होता है इसके बीच में। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जैसे ऊपर को करूँगा तो ऊपर को हो जाएगा, तो नीचे करूँगा नीचे को हो जाएगा कैमरा। मतलब काफ़ी अच्छे ऑप्शन है इसमें। अगर आप भी परचेज करना चाहते हो तो नीचे लिंक दे दूंगा इसका, तो आप वहाँ से परचेज कर लेना। तो काफ़ी सारा ऑप्शन होती है जैसे नेटवर्क की, क्लाउड और मोर सेटिंग में। अगर आपने तो उल्टा लटकाना है कैमरे को, जैसे उल्टा अभी सीधा रखा हुआ था उल्टा करना है, तो यहाँ पे इमेज फिलअप पे जाना है, तो यहाँ पे ऑन कर लेना है इमेज फिलअप को। तो ऑन करते ही आप बैक कर लेना, तो जैसे कि हमने फिलअप किया तो अभी देखो रोटेशन, अभी हमने ट्रैकिंग हटाया नहीं है। सो ऐसा कर सकते हो आप गाइस। सो ये देखो अभी ऐसा कैमरा अगर लगाना हो तो ऐसा हो जाएगा इमेज फिलअप, सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो अभी आप उसकी सीधा कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसको ऑटो ट्रैकिंग को बंद कर लेते हैं गाइस। ये ऑटो ट्रैकिंग है, इसको बंद कर लेते हैं। ह्यूमन डिटेक्शन में भी सेम ऑप्शन है, इसके आगे कोई आएगा आपको मैसेज आ जाएगा। सो अभी इसको देखना अभी। तो गाइस अगर आप इसमें एक चीज़ हो रहे हैं, अगर आप इसमें मेमोरी कार्ड वगैरह डालते हो, कोई मेमोरी कार्ड कोई भी कंपनी का डालते हो है ना, तो इसमें सेटिंग पे जाना है। जैसे कि आपको मेमोरी जो स्टोरेज मैनेजर लिखा हुआ है, तो स्टोरेज मैनेजर पर जाना है। तो जहाँ पे हमने मेमोरी कार्ड नहीं डाला तो स्टोरेज मैनेजर, तो इसको एक बार फॉर्मेट जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो फॉर्मेट करते ही जो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दे। सो आज की वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। सो गाइस आज की वीडियो बताना कैसी लगी, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। सो मिलेंगे इसी प्रकार आगे वीडियो पे। सो बने रहना गाइस, टेक केयर गाइस, बाय बाय।